ରଜକୁ ଫିକା କରିପାରେ ମୌସୁମୀ। କରୋନା ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରଜ ଫିକା ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତକାଲି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। आज उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ही ऑलमोस्ट टच कर चुका है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का कुछ पोर्शन बाकी है। बरगढ़, झारसीगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, केउनझर, मयूरभंज, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का, इसमें से नॉर्थ उड़ीसा व नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का, इसमें ये सब डिस्ट्रिक्ट का कुछ पोर्शन बाकी है। लो प्रेशर सिस्टम जो था वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पर एडजॉइनिंग उड़ीसा, आंध्रप्रदेश उड़ीसा कोस्ट में, वो अभी नॉर्थ आंध्रप्रदेश कोस्ट एंड उड़ीसा कोस्ट का, नॉर्थ आंध्रप्रदेश एडजॉइनिंग उड़ीसा कोस्ट का पास में है। अभी फर्दर मॉनसून का जो एडवांस है, इसमें अगला 48 घंटा तक, मीन्स अगला दो दिन तक सब उड़ीसा का पूरा पोर्शन, हालांकि अगला 24 आवर्स में ही होने का चांसेस है। उड़ीसा का एंटायर उड़ीसा मॉनसून कवर करने का चांसेस है। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିପାରେ। ଏହାପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିପାରେ। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।